अब हम फॉर लूप की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन में आप फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो आउटपुट कैसे आपको देगा। फॉर लूप को प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन टेस्ट लूप्स पब्लिक। अब आप इसका लिखेंगे सिंटैक्स फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस। अब जहन में रखें इंट लिखने का मतलब है इंटू 56, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं इंट 8 अगर रेंज इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 5 तक वैल्यू है तो इंट 8 लिख सकते हैं, या आप यू इंट 8 भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप लिखना चाहें। तो अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा, अब मुझे इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। अब मल्टीपल वैल्यूज़ हैं क्योंकि पूरा लूप चलेगा, इसलिए बेनिफिट ये है कि हमारे पास इवेंट्स मौजूद हैं। हमने कहा इंट लॉग इंट और इसमें यू इंट 8 रिसीव कर लेते हैं। लॉग यू इंट कर देते हैं और यहाँ पर आकर मैंने कहा लॉग यू इंट और इसमें पास कर दिया आई। अब क्या होगा कि ये जब मैं आई पास करूंगा, इस वक्त एरर आ रहा है, इवेंट इन्वोकेशन आपने इमिट नहीं लिखा। अब ये होगा कि लूप चलेगा 5 तक और जितनी बार भी ये चलेगा हर बार हर आइटरेशन पे एक इवेंट फायर होगा, वो हम लॉग्स में हमें वैल्यू नजर आएगी। इसको चलाते हैं, इस वक्त हमारी स्क्रीन क्लियर करते हैं। टेस्ट लूप्स ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, अब इस ट्रांजैक्शन में जाके देखें लॉग्स, और लॉग्स में आ रही है पहला इनपुट, पहली लॉग्स ये है वैल्यू। ज़ूम करते हैं, ज़ीरो, फिर दूसरे आइट्रेशन पे 1, तीसरे आइट्रेशन पे 2, चौथे आइट्रेशन पे 3 और पांचवे आइट्रेशन पे 4, उसके बाद ये लूप ब्रेक हो गया। तो आप जब भी एग्जीक्यूट करना चाहेंगे लूप को, इसी तरीके से आप इनकी इवेंट्स को इमिट कर सकते हैं। हमेशा हम इमिट तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे फोर के लूप को, और फोर के लूप में जो आइट्रेशन कंडीशन आप देंगे, जब तक ये कंडीशन आई लेस देन 5 ट्रू रहेगी, फॉर का लूप चलता रहेगा और उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर का लूप रुक जाएगा। इसी में अगर हम एग्जीक्यूट करें, हम दो काम कर सकते हैं कि इंट लूप जो है कब तक चले, हम इसे ले सकते हैं यू इंट 8 ए और यहाँ पे लगा देंगे लेस देन ए। तो अब जब जितनी आइट्रेशन हम चाहेंगे उतनी आइट्रेशन एग्जीक्यूट होंगी। डिप्लॉय करते हैं, फिर इसमें आके आपने कह दिया 8, तो देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि 0 से चल रहा है तो 0 से 7 8 हो गया। आप कहेंगे इसको 2, तो सिर्फ 2 एग्जीक्यूट होंगे 0 और 1। तो इस तरीके से आप लूप को कंट्रोल कर रहे हैं कि कितनी आइट्रेशंस चलनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने ब्रेक देखा था कि ब्रेक कैसे चलेगा, तो आपने कहा इफ I equals to 4 हो तो ब्रेक कर दो, यानी कि हम चलाएंगे लूप को 10 तक 20 30 जो भी लिखें, लेकिन 4 पे वो ब्रेक हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने आइटरेशन दी है 50, लेकिन ये 50 तक नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि
फोर पे ब्रेक कर रहा है, तो ज़ीरो वन टू थ्री, उसके बाद एंड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इसमें फोर तक इसे कहा है कि एग्जीक्यूट होना चाहिए, फोर फोर पे आप इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ, कंटिन्यू का मतलब ये है कि जिस आइट्रेशन में है इससे नीचे का कोड स्किप हो जाए, यानी कि ये लॉग स्किप हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद जो भी कोड होगा, अब यहाँ पे एक ही लाइन है, मल्टीपल लाइन्स होंगी तो वो सब रुक जाएंगी। तो हम यहाँ पर आके डिप्लॉय करते हैं दोबारा, और इसमें हम दे देते हैं 8। एग्जीक्यूट किया, आउटपुट देखते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर नहीं है, फाइव आ गया डायरेक्ट, सिक्स और सेवन। क्यों? क्योंकि आपने फोर जब आया था उस वक्त आपने इसे कह दिया कंटिन्यू, तो ये फोर का लूप वहाँ से कंटिन्यू कर गया। तो आप डिफरेंट बिजनेस लॉजिक्स आपकी होंगी, सॉर्टिंग की, सर्चिंग की, या जो भी आपने स्टूडेंट की एरे है उस पर आपको आइट्रेट करना है, तो उस आइट्रेशन के लिए आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं।